दरअसल लैपटॉप की दुनिया में आप सभी का स्वागत है। भाई साहब करेंगे आज लैपटॉप को अनबॉक्स, जो कि होगा Asus की तरफ से आने वाला Asus F17। हमने ऑलरेडी एक किया है जो कि A17 था, थोड़ा सा प्रोसेसर में इधर उधर चेंज है, बाकी ऑल द वे ये आपको Amazon के ऊपर मिल जाएगा। सारे डिटेल्स देखेंगे, स्टार्ट करते हैं भाई नए रिव्यू को। भाई साहब लैपटॉप को तो पता नहीं, लेकिन Asus ने एक चीज काफी अच्छी की है कि भाई गांव को जाने के लिए एक ब्रीफकेस भी मिला। बॉक्स के अंदर दोस्तों यहाँ पे देखोगे तो ये हमारा मेन प्रोडक्ट यहाँ पे दिखाई दे रहा होगा, उसके साथ आपको जो है ये यूजर मैनुअल वगैरह ये सारी चीजें मिलते हैं। एंड यहाँ पे इधर है तो चार्जर यहाँ पे है भाई, 150 वाट का ये पूरा चार्जर आता है। एंड उसके साथ ये जो है आपको केबल भी मिलते हैं, पावर केबल, तो इससे आप चार्ज कर सकते हो। भाई साहब ब्रिक देख सकते हो काफी ज्यादा बड़ी है। तो अभी स्टार्ट करते हैं हमारे रिव्यू को। दोस्तों लैपटॉप का डिजाइन देखोगे तो कुछ इस तरीके से पूरा लैपटॉप आपको दिखाई देगा। पहले तो इसका आप पूरा मॉडल नंबर देख लो, ये है FX706HF करके इसका नाम है। आप डायरेक्टली Amazon के ऊपर सर्च कर सकते हो, ये लैपटॉप आपको वहां पे मिल जाएगा। तो यहाँ पे देख सकते हो एक डिफरेंट कटआउट वगैरह मिलेगा, सेम ही है ये लैपटॉप जो है A17 में भी दिखाई देगा आपको, और सेम डिजाइन आपको F17 में भी दिखाई देगा। तो थोड़ा सा प्रोसेसर का डिफरेंस है, बाकी इसको बोलते हैं ग्राफाइट ब्लैक करके, तो हमारे लिए तो ब्लैक ही है। तो यहाँ पे टेक्सचर वगैरह मिलता है, ये Asus का टफ का ऑफिशियल लोगो यहाँ पे दिखाई देगा। एंड पीछे देखोगे तो ये इसको बोलते हैं हनीकॉम स्ट्रक्चर, इससे जो है काफी अच्छा जो है फ्लो रहता है हीट का एंड कूलिंग का, एंड लैपटॉप थोड़ा सा ठंडा रहता है। यहाँ पे देखोगे तो ये आपको एग्जॉस्ट वेंट से यहाँ पे दिखाई देंगे, एंड उसके साथ जो है यहाँ पे आपको रबर वेंट्स भी मिलते हैं, ज्यादा बड़े नहीं है बट इतना जो है आपको लिफ्ट मिलेगा टेबल से, तो उसकी वजह से अच्छे से एयर सर्कुलेशन यहाँ पे रहेगा। सबसे इंपॉर्टेंट चीज अभी बिल्ड के बारे में बात करते हैं भाई, ये है टफ लैपटॉप Asus की तरफ से आने वाला, जिसको मिलिट्री ग्रेड लैपटॉप भी बोला जाता है। काफी ज्यादा हार्ड है, अपर मटेरियल काफी ज्यादा हार्ड है, पीछे का मटेरियल तो देख सकते हो पूरा का पूरा फाइबर का है, बट काफी ज्यादा हार्ड स्ट्रक्चर दिया गया है, तो उसके वजह से लैपटॉप को जो बिल्ड मिलती है वो काफी ज्यादा हाई वैल्यू रहती है। तो डेफिनेटली ये आप बहुत अच्छे से यूज कर सकते हो, एंड आपको डेफिनेटली इसका काफी ज्यादा यूज होगा। एंड उसके साथ साथ इसको जैसे ही खोलोगे अंदर से लैपटॉप कुछ इस तरीके से ये पूरा का पूरा दिखाई देगा। लैपटॉप के राइट साइड में बहुत सारे छेद आपको दिखाई देंगे, एक जो है आपको मिलता है यहाँ पे पावर जैक का पोर्ट, लैन पोर्ट आपको दिखाई देगा, HDMI पोर्ट, USB 3.2 Gen 1 के दो पोर्ट आपको दिखाई देंगे, टाइप सी का पोर्ट मिलेगा जो कि एक थंडरबोल्ट पोर्ट होगा, एंड यहाँ पे ऑडियो जैक जो होता है वो पोर्ट आपको दिखाई देगा, एंड किंगस्टन लॉक का एक पोर्ट मिलेगा, एंड USB 3.2 Gen 1 का यहाँ पे भी एक पोर्ट मिलेगा। तो काफी सारे पोर्ट मिलते हैं, बस यहाँ पे आपको कार्ड रीडर स्लॉट नहीं मिलता, बाकी ऑल द वे बहुत सारे पोर्ट है, जहाँ पे भी जो भी घुसाना चाहते हो भाई घुसा सकते हो। दोस्तों उसके साथ लैपटॉप खोलोगे तो ये आपको स्क्रीन दिखाई दे रही, भाई ये 15 इंच की स्क्रीन नहीं है, ये 17.3 इंच की स्क्रीन है, बहुत ज्यादा मैसिव लगती है। मूवीज देखो कुछ भी देखो आपको बहुत ज्यादा मजा आएगा, क्योंकि स्क्रीन काफी बड़ी होगी, आपको एक्सपीरियंस भी उतना ज्यादा बेहतरीन आएगा। फुल HD एंटी ग्लेयर डिस्प्ले, 144 हर्ट्ज का ये पूरा डिस्प्ले, भाई गेम खेलते वक्त ये आपको समझ में आएगा, बहुत ज्यादा मजा आता है गेम खेलते वक्त। उसके साथ 45% NTSC कलर गैम्बिट आपको मिलता है, तो उसके साथ फोटोशॉप के लिए वगैरह ठीक ठाक होगा नॉर्मल अगर यूज करते हो तो, प्रोफेशनल लोगों के लिए थोड़ी सी दिक्कत यहाँ पे आ सकती है क्योंकि कलर्स उतने ज्यादा एक्यूरेट नहीं मिलते। ब्लैक्स वगैरह ठीक ठाक है, तो जब भी आप मूवीज देखते हो या फिर कोई भी वीडियो प्ले करते हो यूट्यूब के ऊपर, वो ब्लैक वगैरह काफी अच्छे से उभर के आते हैं, तो एक शार्पनेस आपको स्क्रीन में दिखाई देगा, डेफिनेटली आपको मजा आएगा जब भी आप यहाँ पे कोई भी कंटेंट कंज्यूम करोगे। इसके साथ ऊपर यहाँ पे देखोगे तो एक छोटा सा आपको वेबकैम मिलता है जो कि 720p का रिकॉर्ड कर सकता है, तो भाई देख लेते हैं साउंड क्वालिटी एंड ये जो वेबकैम है किस तरीके से वर्क करता है। तो दोस्तों जो अभी आप यहाँ पे वीडियो देख रहे हो वो इसी वेबकैम से शूट हो रहा है, आप देख भी सकते हो, मुझे भी लग रहा है कि क्वालिटी काफी ज्यादा बढ़िया है। तो आप इसको यूज कर सकते हो, जो नॉर्मल आपकी मीटिंग्स वगैरह होते हैं ऑनलाइन, आप वहां पे इसको यूज कर सकते हो, काफी अच्छी। लैपटॉप में एक और इम्पोर्टेंट चीज होती है जो कि इसके हिंजेस है, हिंजेस देखोगे तो भाई काफी ज्यादा स्ट्रॉन्ग हिंजेस दिखाई देंगे, एक स्मूथ सा एक्सपीरियंस आपको मिलेगा, एंड एक ड्यूरेबिलिटी भी आपको यहाँ पे समझ में आएगी। एंड उसके साथ साथ एक हाथ से जो है ये पैनल इतने अच्छे से उठा नहीं
नहीं पाओगे, थोड़ा सा लैपटॉप लिफ्ट हो जाता है टेबल से। तो यहाँ पे जो है वेट डिस्ट्रीब्यूशन इतने अच्छे से नहीं किया गया, तो यही एक मुझे दिक्कत लगी, बाकी ऑल द वे भाई बिल्ड के मामले में लैपटॉप एक नंबर है। दोस्तों यहाँ पे एक स्पेसिफिकेशन टूर कर लेते हैं, ये आता है इंटेल के i5 11th जनरेशन के साथ, उसके साथ साथ यहाँ पे आपको NVIDIA का 4GB का RTX 2050 का ग्राफिक्स कार्ड मिलता है, 8GB की रैम मिलती है जो कि आप 32GB तक बढ़ा सकते हो, 3200 MHz का जो है फ्रीक्वेंसी आपको यहाँ पे मिलेगी, उसके साथ साथ यहाँ पे आपको 512GB की SSD मिलती है जो कि PCIe G3 की SSD होगी, तो आपको स्पीड वगैरह काफी अच्छे मिलेगा। ये भी हम ट्राई करके देखेंगे कितना स्पीड ये कैचअप कर लेता है। तो फटाफट से यहाँ पे गेमिंग करके देखते हैं भाई ये कितना टॉप पे जाता है। दोस्तों अभी हम यहाँ पे खेल रहे GTA 5, अभी मैंने कनेक्ट किया है यहाँ पे चार्जर, तो अभी देखते हैं कितना FPS देता है ये। तो यहाँ पे देख सकते हो ऑलमोस्ट 103, मतलब 103 FPS यहाँ पे दे रहा है, थोड़ा बहुत आप देख सकते हो अभी 60, 69, 40, मतलब 50 FPS के आसपास यहाँ पे FPS आपको प्रोवाइड कर रहा है। यानी ग्राफिक्स भी देख सकते हो काफ़ी ठीक ठाक ग्राफिक्स आपको यहाँ पे मिल रहा है, इतना ज़्यादा लैग नहीं है, तो FPS ज़्यादा होने के साथ साथ एक स्मूथ गेमिंग प्ले आपको मिलता है। अभी क्या करते हैं थोड़ा सा यहाँ पे मैं चार्जर को निकाल देता हूँ, मैंने चार्जर को अभी निकाल दिया, अभी चेक करते हैं कितना FPS आता है। तो यहाँ पे देख सकते हो कॉन्स्टेंट 60 FPS मुझे आ रहा है विदाउट चार्जर, एंड कुछ इस तरीके से पूरा आपको ग्राफिक्स दिखाई दे रहा होगा, थोड़ा सा लैग दिखाई दे रहा है अभी 30 FPS के आसपास, यहाँ पे FPS ड्रॉप भी हो रहा है, कभी कभी 60 दे रहा है, कभी कभी 30 दे रहा है, अभी यहाँ पे 29 FPS आ रहा है। तो कुछ इस तरीके से ओवरऑल गेम प्ले मिलेगा, जैसे आप यहाँ पे चार्जर कनेक्ट करते हो आपको हायर FPS मिलता है, एंड जैसे चार्जर निकालते हो थोड़ा सा FPS ड्रॉप होता है, मैंने हायर सेटिंग के ऊपर रखा था, बट आप अच्छे से यहाँ पे गेम वगैरह खेल सकते हो चार्जर कनेक्ट करके। वाईफाई 6 का आपको यहाँ पे सपोर्ट मिलता है, डाउनलोडिंग एंड जो अपलोडिंग स्पीड है वो काफी अच्छी मिलती है। गेम वगैरह आप डाउनलोड करना चाहते हो, कुछ भी डाउनलोड करना चाहते हो, तो एक अच्छे खासे आपको यहाँ पे स्पीड मिल जाएगी। रेंज वगैरह आपको काफी अच्छा मिलता है, तो डेफिनेटली ये आपके लिए बेस्ट हो सकता है अगर आप गेमिंग वगैरह बहुत ज्यादा करते हैं। दोस्तों स्पीकर्स के बारे में बात करें तो दो स्पीकर आपको मिलते हैं, ये यहाँ पे एक है, दूसरा यहाँ पे एक स्पीकर मिलता है, डॉल्बी एटमॉस का एक सपोर्ट मिलता है, उसकी वजह से काफी अच्छा वॉल्यूम आपको यहाँ पे दिखाई देगा। इनसाइड अगर देखोगे तो काफी हाई वॉल्यूम आता है, तो इसकी एक टेस्टिंग देख लेते हैं। दोस्तों टफ की एक चीज मुझे अच्छी लगती है कि ये जो कीबोर्ड जो देता है भाई वो काफी ज्यादा अच्छा लगता है, टाइप करते वक्त एक मस्त सा फील आता है, टक 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 सा जो साउंड होता है वो अच्छे से आता है, एंड यहाँ पे ये RGB कीबोर्ड प्रोवाइड करता है इस प्राइस रेंज में, जो बाकी लैपटॉप जो होते हैं वो आपको प्रोवाइड नहीं करते, तो ये चीज मुझे काफी अच्छी लगी। हर एक की आप कस्टमाइज कर सकते हो, RGB जो है वो कस्टमाइज कर सकते हो, उसकी वजह से भाई एक अलग सा फील आता है। इवन जो है यहाँ से आप फैन स्पीड अगर कंट्रोल करना चाहते हो तो भी कर सकते हो, वहां पे डेडिकेटेड एक बटन दिया गया है जहां से जो है 3 मोड में आप जो है यहाँ पे फैन स्पीड जो है वो कंट्रोल कर सकते हो, एंड उसके साथ यहाँ पे ट्रैक पैड देखोगे, एक छोटा सा ट्रैक पैड है, एंड उसके साथ साथ यहाँ पे आपको बटन भी दिए गए हैं राइट एंड लेफ्ट का, एंड काफी ज्यादा सॉफ्ट सा लगा, थोड़ा सा स्मॉल है, कभी कभी आपको दिक्कत आ सकती है, बट काफी अच्छा लगता है इसको यूज करने में। चारों कॉर्नर जो है वो अच्छे से यहाँ पे सेंसिटिव है, तो उसके वजह से अच्छे से आप वहाँ पे यूज कर सकते हैं। दोस्तों यहाँ पे हमने प्रीमियर प्रो भी यूज करके देखा, एक 1 मिनट की 4K क्लिप है, एक्सपोर्ट करके देखते हैं कितने टाइम में ये एक्सपोर्ट हो जाता है। तो दोस्तों ओवरऑल लैपटॉप के बारे में बात करें तो डेफिनेटली एक काफी अच्छा लैपटॉप आपके लिए ये हो सकता है, अगर आप गेमिंग प्लस स्टडी के लिए भी यूज करना चाहते हो तो कर सकते हो, डेडिकेटेड गेमिंग के लिए भी करना चाहते हो यूज इसको तो कर सकते हो, तो काफी अच्छा है। एक थोड़ा सा हेवी है, एंड उसके साथ साथ गेमिंग करते हो थोड़ा सा हीट हो जाता है, बट ये नॉर्मल है, हर एक टफ लैपटॉप अगर आप देखोगे Asus के थोड़े से हीट करते हैं, बट ऑल द वे ये आपके लिए बेस्ट हो सकता है। 63,000 के आसपास आपको ये Amazon के ऊपर मिल जाएगा, एंड अभी सेल आने वाले भाई आपको तगड़ा डिस्काउंट इसके ऊपर मिल जाएगा, नीचे डिस्क्रिप्शन में लिंक होगी, डायरेक्टली आप इसको वहां से परचेस कर सकते। सो फिर वीडियो आपको अच्छा लगा होगा, वीडियो अच्छा लगा लाइक कर देना, शेयर कर देना, सब्सक्राइब करना मत भूलना, इंस्टाग्राम के ऊपर भी फॉलो कर सकते हो, आपके जो भी क्यूरीज हो डायरेक्टली आप वहां पे डाल दो, हम जो आपको उसके आंसर दे देंगे। मिलने वाले बार किसी ने वीडियो के साथ किसी ने एक्साइटिंग टॉपिक के साथ, और अभी तो रुको एंड मिस कर लो बोलूंगा।